हेलो फ्रेंड्स, प्रोमिला की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ छेना मुकरी, हम तो मुर्गी कहते थे पर कहते मुकरी होता ही है, तो छेना की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको बनाने में सिर्फ 10-15 मिनट से भी कम टाइम लगता है और बहुत इजी है। और जबकि ये बनती इतनी टेस्टी है कि अगर कभी खाने के बाद मन करे थोड़ा सा मीठा मुंह में डालने के लिए, तो ना तो इसमें कोई घी का यूज़ होता है, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं डलता, और टेस्ट में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसको खाने के बाद कभी मीठा मुंह करने का मन हो तो एक पीस भी खा लो तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो मैं आज चाहती हूँ कि मैं छेना की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। इसमें मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, और पनीर आप अगर घर पे बना सको तो और भी अच्छी बात है, आप पनीर बाज़ार से ला के भी इसको बना सकते हो। इसको मैंने ये चकोर पीसेस में कट किया है और धो के, और इसमें ये थोड़ा सा एक टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून आप रोज़ वाटर भी डालोगे, और थोड़ी सी ये इलायची पाउडर, ये भी मैंने रखा है डालने के लिए। और ये 200 ग्राम पनीर है, इसके लिए ये हम एक कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी लेंगे और पानी उतना डालेंगे जिसमें ये चीनी डूब जाए। बहुत ओवर पानी भी नहीं करेंगे और बहुत कम पानी भी नहीं डालेंगे। हमने एक तार की चाशनी बनानी है इसकी। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि ये छेना को कैसे हम चीनी डालेंगे। और चीनी में हम पानी उतना डालेंगे जिसमें चीनी ये डूब जाए। अब इसकी हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। एक तार की चाशनी बनाने तक आप आँच को कैसे भी रख सकते हो, तेज मीडियम आँच रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने एक तार की चाशनी बनानी है। जब एक तार की चाशनी बनेगी तब हम इसमें पनीर डालेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक तार की चाशनी बनती है। तो जब इस तरह से ये चीनी के ऊपर बुलबुले आने लगे तो हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर डाल के हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक ये हमारी चीनी इस पर कोट होती है तब तक, और इस तरह चलाएंगे कि हमारे पीसेस टूटे ना। और आंच अब हमने मीडियम कर देनी है, बहुत तेज आंच नहीं रखनी, और इसको चलाते रहना है। अगर आपको लगे आपकी चीनी गंदी है तो आप 1-2 ड्रॉप डाल के पहले ही, ये पनीर डालने से पहले ही आप 1-2 ड्रॉप दूध के डाल के डालेंगे तो चीनी के ऊपर जो गंदगी है ना, जितनी भी होगी चीनी की, वो ऊपर आ जाएगी। पर इसमें चीनी बिल्कुल साफ थी इसलिए मैंने दूध नहीं डाला। ऊपर कोट होनी शुरू हो गई है, अब हम अपनी आंच को धीमी कर लेंगे। पहले मीडियम रखी हुई थी, अब थोड़ी सी स्लो कर लेंगे। अब हमने देखना है इसकी कितनी तार की चाशनी बनी है। अभी नहीं, जब ये 2 तार की चाशनी बन जाएगी और पता चल जाएगा हमें
कि अब चीनी जमनी शुरू हो गई है, तब हम इसको गैस को बंद करेंगे। फिर हम ठंडा करना होगा, तो बंद गैस में ही इसको हम हिलाते हिलाते इसको ठंडा करेंगे और वो सारी पनीर पे कोटिंग आ जाएगी। अभी ये दो तार की चाशनी बनने ही वाली है, तब इसके बाद हम गैस को बंद करेंगे। जब हम गैस को बंद करेंगे तो उसके बाद हम इलायची पाउडर और ये गुलाब जल, ये दोनों इसमें डाल के फिर इसको धीरे धीरे हिलाते हुए इस चाशनी को ठंडा करेंगे। ये अब जमने की उसमें आने लग गई है। अभी थोड़ी देर और हम ऐसे ही पकाएंगे, फिर उसके बाद इसको चलाते हुए ठंडा करेंगे। हमारी ये कोटिंग के लिए तैयार है चाशनी, इसलिए अब हम गैस को बंद करके और इसको हम नीचे उतार के और इसको हिलाते हुए ही ठंडा करेंगे। ये हम इसको बंद कर रहे हैं। ये अब हमारी चीनी इस पे कोट होनी शुरू हो रही है, तो आप इसके अगर छोटे पीस रखना चाहते हो तो छोटे पीस भी कर सकते हो, पर मैंने थोड़ा सा बड़ा पीस रखा है। ये अब हमारी प्रॉपर तैयार है। अब इसको हम गैस बंद करके फिर इसको ठंडा करेंगे। तो हम हिलाते हुए ही ठंडा करेंगे और सबसे पहले तो इसमें इलायची डालेंगे और ये रोज़ वाटर। ये रोज़ वाटर हमने एक बड़ा टेबलस्पून लिया है, या आप दो टीस्पून ले लो, वो इसमें डाल लो। इलायची का भी आपकी मर्जी है कि आपने आप डालना चाहते हो तो ज़रूर डालो, अगर आप इलायची नहीं खाना पसंद करते तो आप इसको ना भी डालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको धीमे धीमे हम ऐसे ही ठंडा करेंगे। इसको हमने धीरे धीरे पलटना है ताकि ये जो टूटे ना हमारा पनीर। आप देखना, देखते देखते इसके ऊपर पूरी कोटिंग हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा चीनी है वो अलग हो जाएगी। ये देखो अब इसके ऊपर कैसे कोटिंग होनी शुरू हो गई है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा चीनी होगी वो सारी अपने आप अलग हो जानी है। ये बहुत बनाते हुए बहुत ही आप इंजॉय करोगे कि इतनी इजी और इतनी अच्छी रेसिपी है और कितनी आसान है, जो कि हम बाज़ार से इतनी कॉस्टली लेके आते हैं तो ये भी नहीं पता होता कि उसमें कैसा पनीर है और क्या चीज़ें डाली हैं। तो घर पे ये इतनी इजीली बन जाती है तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा बनाने में। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ही हम बाज़ार से लेके आएं, जबकि हम उसके लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी चाहिए बनाने के लिए। और उस
को फिर आपको खाने में मजा भी उससे दुगना आएगा जो आप बाजार से लेके आए हो। ये देखो अब ये चीनी अपने आप इस पे कोटिंग हो ही जा रही है। अब ये धीरे धीरे ये सूखी हो जाएगी तब हम इसको अलग करेंगे। ये सारा हिलाते हुए मैंने ठंडा ठंडा किया हुआ है नीचे उतार के गैस से। जब बिल्कुल ठंडी हो गई है तो ये चीनी अलग हो गई है, ये हमारी छेना अलग हो गई है। इस चीनी को आप चाय में या किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीनी बिल्कुल सही है और उतनी उसके ऊपर कोट हुई है जितनी छेना को ज़रूरत थी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी भी पसंद आएगी। आप ज़रूर घर पे बना के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये इसके ऊपर आप वर्क भी लगा सकते हो और जैसे भी आप इसको डेकोरेट करके रखना चाहते हो उस तरह से रख सकते हो। मैंने तो रोज़ पेटल तो मेरे पास प्योर वाले नहीं थे, जो मेरे पास रोज़ था वो मैंने लगा दिए ताकि आपको याद रहे कि इसमें मैंने रोज़ वाटर भी डाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप ज़रूर बना के देखोगे और आपको बहुत ही रिलिश होगा कि ये इतनी इजी रेसिपी और हमने कभी नहीं बनाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।